नमस्कार, मैं शाली शाक्य और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। बहुजन समाज पार्टी लगातार इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। जी हां, आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को दोनों महत्वपूर्ण पदों से हटा दिया है। आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और बीएसपी प्रमुख मायावती की उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी है। अब आकाश आनंद की कुर्सी जाने को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। सूत्रों की माने तो आकाश आनंद अपनी जनसभाओं में जिस तरह से मौजूदा सरकार के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर जुबानी हमले करने के लिए जिस तरह के शब्दों का उपयोग कर रहे थे, उससे मायावती नाराज थी। बीते दिनों 28 अप्रैल को आकाश आनंद ने सीतापुर में एक जनसभा की थी। तब उन्होंने जो टिप्पणी की थी वे काफी चर्चा का विषय बनी रही थी। उन्होंने करारा हमला बोलते हुए कहा था कि बीजेपी की सरकार को बुलडोजर की सरकार कहे जाने पर पीएम मोदी विपक्षी दलों से सवाल कर रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में बुलडोजर की नहीं आतंकवादियों की सरकार है। इस सरकार ने मुल्क की आवाम को गुलाम बना कर रखा है। बीजेपी सरकार को आतंकवादी करार देने को लेकर भाजपा ने आकाश आनंद के खिलाफ सीतापुर में एफआईआर दर्ज कराया था। हालांकि इसके अलावा आकाश आनंद ने बीते दिनों ही एक अपने बयान में बहुजन समाज पार्टी से बहकाकर वोट मांगने को जूता मारकर भगाने की बात भी कही थी। उन्होंने अपने एक अन्य बयान में राम मंदिर दर्शन नहीं करने के पार्टी के फैसले के संबंध में जिस तरह से बयान दिया था, उससे सवाल उठने लगे थे। इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद उनकी चुनावी जनसभा को रद्द कर दिया गया था। सूत्रों की माने तो आकाश आनंद को बीते महीने ही भाषणों के दौरान अपनी भाषा पर संयम रखने के लिए आगाह कर दिया गया था। हालांकि इसके बाद भी वह नहीं माने और उनकी बयानबाजी जारी रही। सीतापुर में आतंकवादी की सरकार और सरकार को गद्दारों जैसे उनकी टिप्पणी पर मायावती को ये टिप्पणी रास नहीं आई। मायावती नेता कहते हैं कि मायावती अपने बयानों में राजनीतिक सूचिता का पूरा ख्याल रखती हैं। आकाश आनंद के इसी तरह के भाषणों से मायावती खफा बताई जा रही थी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए लिखा, पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दिनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। अब लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि क्या आकाश आनंद अब अपनी बुआ को धोखा देते नजर आएंगे, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में अब ये चर्चा चल रही है कि आकाश आनंद जल्द ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात कर सकते हैं और कहीं ना कहीं उनकी समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। मायावती के इन निर्णय को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9।